व्हाट्सअप गाइस, फ्लिकवर्स चैनल पर आ चुका है मूवी का रिव्यू. कौन सी? देवरा. तो टाइम ट्रेवल क्यों लिखा हुआ है इसके अंदर, कुछ होगा, ये भी देखते हैं. तो काफी रिव्यूज हमने देख लिए हैं अभी तक, मतलब मूवी को कुछ बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं बता रहे. एवरेज तो आपने देखी है तो बताएं जरूर. करते हैं साथ में एंजॉय रिव्यू. 1, 2, 3, गो. जूनियर NTR और जानवी कपूर की देवरा थिएटर्स में लग चुकी है, जिसमें स्टार्टिंग से ही हमको समुद्री लुटेरों वाला कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा था. एंड टीजर्स और ट्रेलर्स को देखकर ऐसा लग रहा था कि मूवी उतनी खास होने नहीं वाली, लेकिन इसको देखने के बाद मुझे कहना पड़ेगा कि इतनी खास तो नहीं है. नाउ हल्के फुल्के सिनॉप्सिस से शुरू करेंगे और इसमें थोड़े से माइनर स्पॉयलर्स हो सकते हैं, आपको पहले ही वॉर्न कर देता हूं, लेकिन मतलब देख लेना अपने हिसाब से. तो बेसिकली जूनियर NTR का कैरेक्टर देवरा एक ऐसी पीढ़ी को बिलोंग करता है जो इंडिया को प्रोटेक्ट करते थे ब्रिटिशर्स से अपने आइलैंड का इस्तेमाल करके, और उसके बाद जब देवरा आया तो अंग्रेज चले गए थे और इसी वजह से अब उनको सर्वाइवल के लिए समुद्री लुटेरे बनना पड़ा. ऑल्दो देवरा डजंट लाइक इट, क्योंकि उनको ये बात नहीं पता होती है कि वो क्या चीज लूट रहे हैं. तो ही जॉइंस इन. अब उसके इसी पायरेट गैंग का एक और बंदा होता है, सैफ अली खान का कैरेक्टर भैरा, और जहां पे देवरा के पास काफी ज्यादा कॉन्शियस है वहीं पर भैरा इज कॉन्शियस लेस. उसको बस एक ही चीज से मतलब है कि पैसा कितना मिल रहा है. लेकिन फिर मूवी की कहानी में कुछ ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से देवरा का बेटा वरा मेन स्पॉटलाइट में आ जाता है. अब ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, और देवरा को आखिरकार हुआ क्या, कहां गया वो, जिस वजह से उसका बेटा वरा उससे इतनी नफरत करता है, और वरा देवरा का बिल्कुल ऑपोजिट है. जहां पर देवरा इतना बहादुर था वहीं पर वरा एकदम फट्टू टाइप. तो आखिरकार ये सारी चीजें टेक प्लेस कैसे करेंगी, क्यों करेंगी, वो सब चीजें आपको पिक्चर देखकर ही समझ पाएगी. लेकिन अगर डायरेक्शन पे बात करी जाए तो डायरेक्टर साहब ने काफी सारी चीजें सोची इस मूवी को लेकर. सबसे पहले तो जिसका पूरा प्रेमाइस था वो बहुत इंटरेस्टिंग है. इससे पहले तक जब भी ये समुद्री लुटेरे वाले पूरे कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी गई हमारे देश में तो वो पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन की कम और थग्स ऑफ हिंदुस्तान की याद ज्यादा दिलाता है. एंड जब इनिशियली इसके टीजर्स और ट्रेलर्स देखे तो वो ऐसा लग रहा था कि इसमें भी हमको थग्स ऑफ हिंदुस्तान वाली वाइब ज्यादा आएगी, लेकिन कहीं ना कहीं जब मूवी स्टार्ट होती है तो आपको समझ में आने लगता है कि नहीं, मेहनत तो करी गई है, उन लोगों ने एक प्रोडक्शन सेट खड़ा किया है. और फिर वो कंटेनर्स को लूटने वाली जो पूरी चीज दिखाई गई है वो मूवी में मल्टीपल टाइम्स होती है. एंड ऑल्दो आपको उनका एफर्ट नजर आएगा क्योंकि ये सारी चीजें रात में टेक प्लेस करती हैं, तो लाइटिंग वगैरह और उसके साथ में पानी की वेव्स को भी दिखाना, तो VFX, CGI इन सब का एफर्ट मूवी में नजर आता है, लेकिन फिर भी वो एक आर्टिफिशियलिटी मेंटेन रहती है. आपको ये लगता है कि ये असली में नहीं हो रहा है, किसी सेट के अंदर आर्टिफिशियल लाइट लगाई गई है जिस वजह से रात में इतना उजाला है, समुद्र भी नकली सा लगता है. बेसिकली जितने भी समुद्र के रात वाले शॉट्स हैं वो बहुत नकली से फील होते हैं. बट हाँ, मैं ये चीज भी बोलना चाहूंगा कि आफ्टर अ वाइल यू आर काइंड ऑफ ओके विद इट, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है इससे आपको समझ में आने लगता है कि हाँ आर्टिफिशियल तो है लेकिन उनका वर्ल्ड इसी तरह से ऑपरेट करता है, आई गेस. और इसी के साथ में मूवी के जितने भी एक्शन सीन्स हैं वो मूवी का एक डेफिनेट पेस मेंटेन करके रखता है और उनको काफी अच्छी तरीके से बनाया गया है अगर आप वायर वर्क के साथ ओके हो तो, क्योंकि मूवी में डेफिनेटली बहुत ज्यादा वायर वर्क है और उस चीज को वो मासी एंट्रीज देने के लिए यूज किया है. लेकिन पर्सनली मुझे वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं लगता, ऐसा लगता है कि मूवी से वो रियलिज्म को खींच लेता है. एंड दैट इज व्हाट हैपेंस इन दिस मूवी एज वेल. और जब तक मूवी में आपको एक्शन देखने को मिलेगा यू विल काइंड ऑफ लाइक इट. आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मूवी अच्छी चल रही है, मूवी को देखने में मजा आ रहा है. लेकिन एज सून एज ये लोग स्टोरी पे प्रोग्रेस करते हैं हर चीज मानो स्लो सी हो जाती है. एक डायलॉग को बोलने के लिए इतना ज्यादा समय लगाया जा रहा है, यू नो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट, और आपको चाहिए कि हाँ चलो उस पे आगे मूव ऑन किया जाए, लेकिन वो पूरी कन्वर्सेशन को बताने में इतना ज्यादा समय लगाया जाएगा. वो देख तेरा बेटा देवरा वहां से निकल के आएगा, उसने उसका रक्त पीकर अपने अंदर जहर बना लिया है, खुद का खून तेजाब बन चुका है, लेकिन तू जानती नहीं कि तेरा बेटा एक देवता है, एक महापुरुष है, वो आएगा, इस पूरे गाँव का मालिक है वो, खत्म कर ले भाई. मूवी की स्टार्टिंग में एक ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक मीटिंग दिखाई जाती है जिसमें एक मंत्री जी होते हैं और उनके साथ में पुलिस के बड़े बड़े हेड्स, एंड दे वांट टू कैप्चर समवन, और उसी को पकड़ने के लिए एक बड़ा पुलिस ऑफिसर देवरा के गांव तक पहुंचता है और वहां से उसको प्रकाश राज का जो कैरेक्टर है वो देवरा की कहानी सुनाना शुरू करता है. और आखिर तक वो कहानी सुनाते ही रहते हैं. पिक्चर खत्म हो जाती है लेकिन उनकी कहानी खत्म नहीं होती है. हाँ, बिकॉज दिस इज पार्ट वन, तो हमको पार्ट टू में इसकी कहानी का कंक्लूजन देखने को मिलेगा. लेकिन उस कैरेक्टर का क्या हुआ, वो येती नाम का बंदा जिसको ये पुलिस ऑफिसर पकड़ने आया था उसको तो भूल ही चुका है. सिर्फ एक ही सवाल की वजह से कि समुद्र में उसको कुछ कंकाल मिल गए, उस वजह से वो 2-3 घंटे तक बैठे बैठे कहानी सुन रहा है, वो भी गनी भाई से. तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मूवी का पेस बहुत ज्यादा स्लो फील होता है जब भी दो लोगों के बीच में कन्वर्सेशन टेक प्लेस कर रही होती है. आपको स्टोरी में इतना इंटरेस्ट है नहीं बिकॉज आई यू नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ये काम ऐसे सराजा मौली ने 15 साल पहले करके छोड़ दिया और उनसे मैं इसीलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि देवरा
एक्स्ट्रा का एक बहुत बड़ा एलिमेंट आपको बाहुबली जैसा फील होता है. इनफैक्ट जिस नोट पे उसको एंड किया गया है इवन दैट इज बाहुबली टेम्पलेट. लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि मूवी की सिर्फ बुराई करे जा रहा हूँ, मूवी में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, जैसे कि जानवी कपूर काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल. उनका एक गाना है जिसको थिएटर में 3 बार दिखा देते, मूवी का एक बहुत बड़ा चंक था. आई वुड नॉट हैव कंप्लेंट, आई डेफिनेटली वुड नॉट हैव. डायरेक्टर साहब ने उसी चीज को बहुत ज्यादा दिल लगा के बनाया, ये तो आप समझ ही जाओगे. और फिर दिल लगा के देखते भी हो आप. I am speaking too long on this, I know. अरे भैया, कला के कदरदान तो सभी हैं. तो मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ जिससे आप डिसाइड कर लोगे कि मूवी आपको देखनी चाहिए या नहीं. सबसे पहले तो अनिरुद्ध का बैकग्राउंड स्कोर अच्छा है उन्होंने इस मूवी में दिया, तो बहुत सारी चीजों को आउटशाइन कर जाता है और आपको समझ में आता है कि हाँ मूवी बिल्डअप करने की कोशिश कर रही है. स्पीकिंग ऑफ विच, मूवी बहुत ज्यादा बिल्डअप करती है. मूवी में इतना ज्यादा बिल्डअप है, किसी भी चीज को दिखाने के लिए इतना समय लिया जाता है कि आपके पेशेंस को टेस्ट करती है मूवी. फिर इसके बाद मूवी में लंबी लंबी कन्वर्सेशन है, यूनिवर्स को बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है, कहानी को टाइम दिया जा रहा है, कहानी को बिल्ड करने की कोशिश करी जा रही है. इफ यू आर ओके विद इट तो ये मूवी आपके लिए है. फिर जिस तरीके से एक टिपिकल तरीके से कुछ सारी मूवीज में दिखाया जाता था आज से 10-15 साल पहले, उस तरीके से बहुत सारी चीजों को किया गया है. एक कैरेक्टर को इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है, उसकी बातों को इतना ज्यादा हाइप अप किया जाता है. इफ यू आर ओके विद दैट तो ये मूवी आपके लिए है. मैंने मूवी हिंदी डब में देखी. मूवी में जानवी कपूर को छोड़कर किसी का भी एक्टिंग परफॉर्मेंस ऐसा बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं किया मुझे. तो अगर आपको उनका परफॉर्मेंस स्ट्राइक करवाना है तो ये मूवी आपके लिए है. लेकिन हाँ, मैं ये भी कहूंगा कि बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग ट्विस्ट वगैरह एक्सपेक्ट करके मत जाना अगर देखने जा रहे हो, तो थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना. सो आई गेस यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड. तो कुल मिला के देवरा एक ऐसी मूवी है जो आज से 15 साल पहले बनी होती तो शायद देखने में ज्यादा मजा आता, लेकिन उस टाइम तक हम लोगों ने ऐसी मूवीज कम ही देखी थी. और इतने टाइम स्पैन में अब काफी सारी मूवीज आने लगी है, वैसे इसी वजह से हमारा एक्सपोजर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि इसके बहुत सारे मूवमेंट्स उतने इंपैक्टफुल फील नहीं होते. मूवी में 3 गाने हैं जिसमें से एक में म्यूजिक नहीं है, दूसरे की जरूरत नहीं थी, और तीसरे को अगर सेकंड हाफ में कहानी दिखाने के बजाय वही लूप पे दिखाते रहते तो मैं अपने चैनल पे आज ही रेटिंग सिस्टम चालू कर देता और इसको फुल दे देता. बट या, दिस इज व्हाट आई थिंक. अगर आप लोगों ने देख लिया तो आई वांट टू नो व्हाट यू गाइस थिंक. और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं तो जिस थिएटर में तुम जा रहे हो उसमें गाना देखने को ही नहीं मिलेगा. तो इतना बुरा मत करो जो उस गाने के चक्कर में जा रहे हैं. एक छोटा सा पॉइंट मैं बोलूंगा, यही चीज मैं बोल रहा था कि अब जो रिव्यूज करते हैं उनको देखो भैया, उनका काम है वो, उनको सारी मूवीज देखनी पड़ती हैं, तो देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो देख देख के ना वो माइंड में बहुत सारे, आपको पता है कि ये एक्शन सीन भी देखा है इस तरह का, तो वो एक एक्साइटमेंट क्रिएट नहीं हो पाता. और वो चीज सच है, जैसे हम OTT पर अब इतनी मूवीज देख लेते हैं ना, तो अब कोई थ्रिलर वेब सीरीज भी आती तो लगता है यार क्या ये उसकी कॉपी तो नहीं है या ऐसा कुछ हम देख चुके हैं. तो वही चीज है, पहले ऐसी मूवीज बहुत ज्यादा सक्सेस इसलिए हो जाती थी क्योंकि नो डाउट ये मूवी अब भी अच्छा करेगी, फैन बेस भी है और मूवी गोवर्स जाते हैं. लेकिन पहले ये सब चीजें लिमिटेड थी ऑप्शंस एंटरटेनमेंट के, तो आपको लगता था वो भाई आप मान लो आप देख रहे हो सोन पर ही देख रहे हो, है शक्तिमान देख रहे हो, फिर एक तरह से मूवी आती है ओ भाई तूने वो मूवी देखी. हाँ. वो अब क्या हो रहा है कि मार्वल का अलग सीन चल रहा है डिज्नी हॉटस्टार पर, ठीक है नेटफ्लिक्स पे अलग कोरियन सीरीज भी चल रही है, थ्रिलर भी चल रहा है, ठीक है. और पानी गिर रहा है क्या, कहीं तो गिर रहा है, कहीं तो कुछ तो पानी गिर रहा है भैया. तो वो वाली बात आती है. और हाँ, लेकिन ये है कि जो बहुत ज्यादा मूवीज नहीं देखते ना, या जिनको शौक नहीं है सिनेमा हॉल रोज रोज ही चले जाना, उनको तो एक्साइट करेगी नो डाउट मूवी. और गाना जरूर देख के आना भैया, अगर जैसे देखी मूवी गाने के ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेगा. तो मिलते हैं एक साथ, बाय, टेक केयर.